आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण सीखेंगे, ठीक है, और साथ में यह भी सीखेंगे कि दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 5/2, मतलब 2 से हमें 5 में भाग देना है। तो इस अगर 2 से हम 5 में भाग देंगे, ठीक है, तो एक बार सॉरी यहाँ पे 2 × 2 = 4 घट जाएगा, शेष 1 बचेगा। अब चूंकि हमको दशमलव में इसको काटना है तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे और 1 0 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 × 5 कितना होगा? 10। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि इसका शेष कितना आया? 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि इसलिए 5/2 = 2.5। ये दशमलव के एक स्थान के बाद पूरा पूरा कट गया, शेष 0 आया। फिर एक एग्जाम्पल और लीजिए, यहाँ पे 8/5, यहाँ पे 5 से हमें भाग देना है, किसमें? 8 में। तो 5 × 5, शेष कितना बचेगा? 3। तो 5 से इसमें नहीं लगेगा, तो 0 दशमलव बैठा के यहाँ पे 0 और 5 × 6 = 30, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि शेष 0 बचा। तो यहाँ भी 8/5 बराबर कितना? 1.6 आया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, दशमलव के बाद एक स्थान तक कट गया, यहाँ भी दशमलव के बाद एक स्थान तक पूरा पूरा कट गया, शेष 0 आया। तो जाकर के इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे और इसको भी शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, ठीक है। अब बात होती है कि अशांत दशमलव प्रसार कब कहेंगे, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि 1/7, यहाँ पे 7 से 1 में भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ 7 से 1 में तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए 0 और दशमलव बैठा करके 0, 7 × 7। अब घटाएंगे तो शेष कितना बचा? 3। फिर यहाँ पे 0 और 7 से कितना बार लगेगा इसमें? 4 बार, 7 × 4 = 28 घटेगा शेष, फिर 2 यहाँ पे 0, 7 × 2 = 14 घटाएंगे 6 और ये कैंसिल 0, 7 × 8 = 56, 10 × 6 = 4 ये कैंसिल 0। अब इसमें कितना लगेगा? 7 × 5 = 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और ये कैंसिल 0। फिर 7 से कितना बार लगेगा? 7 × 7 = 49 घटाया तो शेष कितना आया? 1 आया। फिर क्या देंगे? 0 आएगा। देखिए अब 1 × 7 फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। फिर 0, 7 × 4 = 28 घटाएंगे तो 2 ये कैंसिल 0। अब कितना? 7 × 2 = 14 शेष घटाया तो कितना? 6 ये कैंसिल, यहां से लिखते हैं 0। अब कितनी बार लगेगा? 8 बार, 7 × 8 = 56 घटाए तो 4 ये कैंसिल 0। अब फिर कितना बार लगेगा? 7 × 5 = 35 फिर घटाने के बाद 5 और 0 बैठा करके कितनी बार लगेगा? 7 × 7 = 49 7 × 7 = 49 फिर से शेष कितना आया? 1 आया। यहाँ भी शेष आया था 1, यहाँ भी शेष आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, बार बार सेम संख्या आएगा, यानी कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये बार बार आता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित अंक के बाद भाग लगाने के बाद फिर से शेष वही आ जाता है, यानी कि पुनरावृत्ति हो जाता है शेष की, तब जाकर के यह जो होगा इस तरह से जब आएगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, है ना, 1/7 = 0.14285 7, ठीक है। और इस पर या तो ऐसे लाइन खींच देंगे, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बार बार आएगा, क्या आएगा? आएगा, इसके बाद ये आता रहेगा, तो यह अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत।
कौन सी संख्या? अशांत। ठीक है, ये एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, 11/3, 3 से 11 में हम भाग देंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 2 शेष बचा। अब दशमलव यहाँ बैठा करके 3 6 18, शेष फिर से कितना आया, 2, फिर कितना शून्य बैठाए यहाँ पे, 3 6 18। आप देख रहे हैं कि बार बार दो ही शेष आ रहा है, यानी शेष की पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार ये 6 से ही लगेगा और यहाँ शेष 2 ही आएगा, इसलिए यहाँ 11/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 3.66 होगा, जो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत। इसको हम 3.6 इसके ऊपर बिंदु लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है सो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पे ये लाइन खींचने का मतलब यही संख्या बार बार आएगा आगे इसके बाद, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देखे हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे कहे 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो आप क्या कीजिएगा, 3 में 8 से आप भाग दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 8 से 3 में लगेगा तो सबसे पहले 0.0 और यहाँ पे 1 0 दे देना। अब यहाँ 8 से कितना बार लगेगा, यहाँ 30 में, तो 8 3 24, 3 बार में। अब यहाँ पे 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और ये कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे 0 और 8 7 कितना होगा, 56 लगेगा यहाँ पे। अब 10 में से 6 घटाएगा तो 4 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना, 8 5 40, ये क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। शेष कितना बचा, 0, मतलब कोई शेष नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि 3/8 का दशमलव प्रसार 0.375 हुआ, एक निश्चित स्थान तक कट गया, शेष की पुनरावृत्ति नहीं हुआ, तो यह इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है, 3/8 का दशमलव प्रसार शांत। फिर अगला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे आपसे पूछे 2/3 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 3 और यहाँ पे 2, 3 से 2 में भाग देना है, 0.3 6 18। ठीक है, फिर शेष 2 ही बचेगा, फिर 3 6 18, फिर से शेष क्या बचा, 2 ही बच गया। इसका पुनरावृत्ति हो रहा है शेष की, है ना, बार बार दो ही शेष आ रहा है और भागफल में हमको दशमलव के बाद 6 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि 2/3 0.666, यानी बार बार 6 6 ही आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 उसके ऊपर बिंदु, एक बिंदु, क्योंकि एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। और यह क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहलाएगा, अशांत। जैसे ही शेष की पुनरावृत्ति हो, बार बार एक ही शेष आए, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। वो पूरा पूरा कट जाए, शेष 0 हो जाए, तब जाकर के यह इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा। क्लियर, चलिए फिर देखते हैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पे, 1/5। ठीक है, तो 5 से हमें क्या करना है, 1 में भाग देना है, 0.0 कितना, यहाँ पे 0 देना है, 5 2 10 कैंसिल हो गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार 1/5 का दशमलव प्रसार 0.2 आया और यह क्या कहलाएगा, शांत। ठीक है, फिर एक एग्जांपल और देखिए यहां पे, 2/4 यहां पे हम 5 लेते हैं, 2/5 यहां पे 5 से भाग देना है 2 में, तो 0.0 और 5 4 20, ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, 0 से आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5 का दशमलव प्रसार 0.4, और यह भी एक इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, तो यह भी क्या होगा, शांत होगा। यानी कि जब शेष की पुनरावृत्ति हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत, और शेष की पुनरावृत्ति ना हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।